सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप वही कीजिए जो आपकी बहन ने आपसे कहा है, कमालुद्दीन पाशा तक उनका ये पैगाम पहुंचा दें। वो बहुत बड़ी रकम की पेशकश कर रहे हैं। वैसे उन्होंने कितनी बड़ी पेशकश की है? 5 लाख। जब बाजी कहेंगी तब जाएंगे हम, अभी नहीं जा रहे। इज्जत पाशा से बात हुई है मेरी, वो मदद के लिए तैयार हैं। महमूद पाशा से मालूमात हासिल करेंगे। यह है वो जगह, लेकिन इस जगह जोग्राफियाई मुश्किलात उनके लिए रुकावट बनेंगी। जुल्फत, पता करो क्या बात कर रहे हैं। नजर रखिए उन पर, अगर वो हुदूद के खिलाफ वर्जी करें तो जो करना है वो वाज़ह है, तबाह कर दें उसे। मुश्तरका मंसूबा। अब्दुल हमीद ने तोहफे में मिली सहराई तोपों से बेगुनाह यहूदियों का कत्ल कर दिया। पाशा ने खदीजा सुल्तान से कहा कि उन्हें आइंदा कोई खत ना लिखें। नाइमी सुल्तान से वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये लीजिए वो तफसीलात जो आपको चाहिए। एक शख्स से झगड़ा हुआ था, उसने छुरी से वार किया हम पर। हमारी जान बचाने के लिए फिरोजे सामने आ गई, वरना हम जिंदा ना होते आज। सिर्फ तुम भी कर दें, अगर फिर भी हुदूद के खिलाफ वर्जी करें तो हमारे हुक्म का इंतजार करें। हमारी शादी के लिए बाबा राजी हो गए। पहले असलहे के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, उसके बाद रेलवे के मुआहदे पर बात की जाएगी। जर्मन तोपों की शमूलियत से आपकी अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। हम जानते हैं कि अजीम रहनुमा फातह सुल्तान मेहमद खान ने अपनी ही तैयार की हुई शाही तोपों की मदद से इस शहर को फतह किया था। दुरुस्त कहा आपने। हमने ये भी सुना है कि आपका दोस्त तुर्क हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि तुर्क अपने दोस्तों का सियासी या जाती मफाद के बगैर हर मैदान में साथ देते हैं। तुर्कों को अच्छी तरह से जानते हैं आप। आप भी वैसे ही रहिएगा जैसे हम आपको जानते हैं। चलिए मुआहदे पर मोहर सख्त करते हैं। इस बात का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता जनाब। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमें हैरत इस बात की है कि ये इतने पुरसुकून कैसे हैं।
आ जाओ। पाशा, आपके हुक्म के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल हो गई है। आने वाले जहाज का ताल्लुक रूस से है। उसके आने की वजह दरियाफ्त हुई अभी तक? नहीं पाशा। ठीक है, तुम जाओ। तहसीन पाशा। कहिए मेरे सुल्तान, महमूद पाशा कहाँ है? कोई इत्तला नहीं उनकी। ये क्या है? बगैर मालिक के बग्घी, ये वही तो नहीं? इज्जत पाशा, आपने मुझे हद से ज्यादा इज्जत दे दी। क्या बात है, कहीं पागल ना हो जाऊं मैं? मैं तो अमीर हो गया। या अल्लाह, क्या हो गया बाबा? मैं हूं तो ये तुम हो सबातीन? मैं तो मरने ही वाला था। आओ बेटा, आओ देखो बग्घी के अंदर क्या है। देखो बेटा, देखो कितनी बड़ी रकम है बेटा। अरे आओ देखो तो सही। देखो मेरे बेटे, जरा देखो ये असली है भी कि नहीं। ये तो बिल्कुल असली है बाबा। लगता है आपने तो अपनी रूह भी बेच दी है। सबातीन, इतनी रकम के लिए तो मैं तुम्हें भी बेच सकता हूँ बेटा, तुम्हें भी बेच सकता हूँ मैं। जल्दी सवार हो जाओ। उस्मान पाशा, हंगामी सूरत हाल है। क्या हुआ पाशा? वो रूसी जहाज एक जंगी जहाज है जो तेजी से हमारी सरहद की जानी पड़ रहा है। ये सूरत हाल सुल्तान को बतानी होगी। इस वक्त सुल्तान मसरूफ है, उन्हें कैसे बताएंगे? ये इंतहाई अहम मसला है। अंदर जाएंगे हम। हम जानते हैं कि रेलवे मंसूबे का मामला इंतहाई अहम है। जब इसमें हमारा इश्तराक हो जाएगा तो इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी हाँ। महमूद पाशा ने तमाम तफसील बता दी थी ना? फिक्र मत करिए जनाब, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। बाबा, सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता मैं आपका, लेकिन हमें ये नकदी फौरन कहीं छुपानी होगी। फिलहाल चुप हो जाओ बेटा। सबातीन, इतनी रकम मैंने कभी भी एक साथ नहीं देखी। पहली बार देख रहा हूं बेटा, थोड़ी ठंडक लेने दो। क्या पुरसुकून हवा है और खुशबू कितनी दिल फरेब है। सबातीन, मेरी हालत तो देखो जरा। उस बग्घी में सवार हूँ जो दौलत से भरी हुई है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। सबातीन, वल्लाह मैं पागल हो जाऊंगा। आप कमाल हैं बाबा। क्या सूरत हाल है? जहाज सरहद के करीब है। गोले जब जहाज पर बरसाए जाएंगे तो अब्दुल हमीद कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम शहंशाह के सामने ये हुक्म कैसे लेंगे? वक्त बहुत कम है पाशा। तहसीन पाशा को मुनासिब अंदाज में बता देंगे। हुक्म देना होगा तो वो इशारा कर देंगे हमें।
महमूद पाशा ने रिश्वत का हक अदा कर दिया है। मामला क्या है? बेफिक्र हो जाए आप, सब कुछ ठीक है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, सियासत में कोई दोस्ती नहीं होती। जैसे ही ये मोहर जब्त होगी, तेल के ज़खायर हमारे हो जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म है कि रूस के जहाज को गर्क कर दिया जाए। माहिदा मुबारक साबित हो हमारे लिए। आमीन आमीन। हम अब्दुल हमीद के साथ ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वो मंसूबा बना सकता है तो हमें भी पूरा हक है। हुक्म मिल गया है पाशा, लिखो सिपाही। रूसी परचम वाले जहाज को हमारी समंदरी हदूद में बगैर इजाजत दाखले पर सुल्तान ने गर्क करने का हुक्म दिया है। जहाज की सूरत हाल समझने और उस पे मौजूद सामान देखने के बाद अंदाजा यह है कि वो सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित होगा, लिहाजा समंदरी हदूद पार करते ही सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उसे गर्क कर दिया जाए। मोहतरम सुल्तान, मुझे अपने शहंशाह को इंतहाई अहम खबर पहुंचानी है, इजाजत दीजिए। इजाजत है। जनाब आली, एक रूसी जहाज आपकी हुदूद में दाखिल होने वाला है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि क्या करना है। आपने जो तोपें तोहफे में दी हैं, उनकी आजमाइश की जाएगी। वो जान जाएंगे कि किसी रियासत की हुदूद पार करने का नतीजा क्या होता है। जनाब आली, उस जहाज में रूस के मजालिम से भागे हुए यहूदी सवार है, ये बिल्कुल दुरुस्त मालूमात है। तहसीन पाशा, फौरन हुक्म रोके, उस जहाज को बचाया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उम्मीद है हमें देर नहीं हुई होगी। या अल्लाह, तो इंसाफ पसंद है, इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हमें मजलूमों पर जुल्म करने वालों में शामिल न करना, हमारी मदद फरमा। अगर वो जहाज तबाह कर दिया गया तो दुनिया आपको मजलूमों का कातिल कहेगी, और यहूदी दुनिया से अपने लिए मदद मांगेंगे, और फिर वो जिस तरह चाहेंगे हमें नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था,
पहले आपकी तरफ से तोहफे में दी गई तोपें सरियर के मकाम पर नस्ब करवाई गई, फिर रूसी सफीर ने आकर हमसे शिकायत की और फिर हमारे किसी पैगाम का जवाब न देते हुए रूसी जहाज हमारी हुदूद में दाखिल हो गया। और हमले में इस्तेमाल होने वाली तोपें हमने आपको तोहफे में दी? जी हाँ, ताकि हमारे हाथ बेकसूर यहूदियों के खून से रंगे जाएं और आपका भी नाम शामिल हो जाए इसमें और वो हमें महकूम बना लें। 25 बेवकूफों ने अपने जरायम और बगावत की सजा पाई। वो हर किस्म की गजा खाने लगे थे, यहाँ तक कि मौत के मुंह में पहुंच गए थे। उस मुश्किल वक्त में उन्होंने खुदावंत से दुआ मांगी, खुदावंत ने उन्हें मुसीबत से निजात दी, उनकी दुआ को कबूल किया, उन्हें मौत से बचा लिया। अगर मुझसे कहें कि कुछ ले लो तो मैं कहूंगा उन्हें मौत से बचा ले, ये मैंने अपने पाक जमीर से किया। क्या कर रहे थे? तबादला कर रहा था, अपने गुनाह इस मुर्गे के हवाले कर रहा था। तुम्हारे गुनाह इस मुर्गे पर आ जाए, आमीन, और तुम्हारी मुफलिसी दूर हो। अपने मजहब को भूल चुके हो तुम? मैं तो मजहब को भूल गया हूँ और तुमने घर को भी कलीसा बना दिया है। इबादत के अलावा कोई रास्ता नहीं, रोजा है मेरा। किस गुनाह का कफारा अदा कर रहे हो? हमारे बेगुनाह यहूदी भाई अब्दुल हमीद के हाथों मारे जाएंगे, वो खुद को सहूनी सल्तनत के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उसी का कफारा अदा कर रहा हूं मैं। तो फिर असल यहूदी सल्तनत का मकसद बासर हो गया। ये बहुत खतरनाक मंसूबा था, आपकी समंदरी हुदूद को बगैर इजाजत फलांगता हुआ रूसी जहाज और हमला करने वाले आप, मगर उस जहाज में बेकसूर मजलूम सवार है। कोई यकीन नहीं करता कि जहाज समंदरी हुदूद पार कर रहा था। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा दुश्मन मामूली नहीं है। इस वाकये से ये बात आप भी जान गए होंगे, देख लिया आपने, उनके नजदीक इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं। हम पर इफ्तरा बांधने के लिए दर्जनों अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया, इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हुक्म भेज दिया? भेज दिया पाशा। तस्दीक मांग रहे हैं पाशा। तस्दीक भी कर दो। रुक जाओ फरजंद, शुक्र अल्लाह का, उस्मान पाशा, सुल्तान का हुक्म है जहाज को तबाह करने से रोक दिया जाए। लेकिन क्यों पाशा? रूसी मजालिम से सताए हुए यहूदी हैं उस जहाज में। शुक्र है अल्लाह का जो हमसे मदद मांगने आ रहे थे उन लोगों पर जुल्म करने से बचा लिया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। रोक दो हुक्म। सबातीन, हाँ बेटा, इस तरह एक एक करके गिनेंगे तो सालों लग जाएंगे हमें। हाँ तो गड्डियों को गिन लेते हैं हम। ये गड्डियां भी कोई कम थोड़ी है सबातीन, थैले थैले गिनते हैं और ले जाकर छुपा देते हैं। बाबा, हाँ इस रकम से हम अपनी कौम को बचा सकते हैं और किसी नई जगह अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं। इस रकम से तो आजादी भी खरीद सकते हैं बाबा। मेरे बेटे, पहले इस रकम से हम आजादी खरीदेंगे, फिर अपनी एक आजाद रियासत कायम कर लेंगे। अब वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी गिनो इन थैलों को बेटा। आ जाओ पाशा। आपके हुक्म के मुताबिक हमने महमूद पाशा के घर की निगरानी की। महमूद पाशा एक अच्छा हलीफ था।
हमने अपने गलत फैसलों की वजह से गंवा दिया उसे। महमूद पाशा दोबारा चाहिए मुझे। जब अब्दुल हमीद का एतमाद उसने जीत ही लिया है तो अब वो उसे खोना नहीं चाहेगा। हमें बस एक मौके की जरूरत है, फिर उसकी लगाम हमारे हाथ में होगी। तुम महमूद पाशा का ताकुब करवाओ। क्या सूरत हाल है? कुछ जर्मन सिपाही वहां एक बग्गी लेकर आए और उसे वहीं छोड़कर चले गए। हमने उसकी तलाशी ली, वो नोटों से भरी हुई थी। महमूद पाशा ने क्या किया? सारी रकम छुपा ली। खत्तादी उसके खून में शामिल है, लेकिन अब सल्तनत की इस गंदी रख को निकाल फेंकने के लिए तुम्हें हमारे सुल्तान के सामने गवाही देनी होगी। मैं जरूर दूंगा गवाही, मैं चश्मदीद गवाह हूं। महमूद पाशा ने सारी रकम समेट ली। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, हम जानते हैं कि आप एक बाज़मीर इंसान हैं। उस्मानी कौम के लिए आपका सुल्तान होना उनकी खुशकिस्मती है। आप हर मामले में सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की भलाई सोचते हैं। अगर किसी दिन सियासी मसाइल की वजह से पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो उस वक्त भी आपकी तरजीह सिर्फ अपनी कौम की भलाई होगी। कायजर विलहम, हम भी ये बात जानते हैं कि आप एक अच्छे हुक्मरान हैं, मेरे सुल्तान। क्या हुक्म रोक दिया गया है पाशा? जी हाँ मेरे सुल्तान, रोक दिया गया है। यहूदी सुकून के साथ बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा, आने वाले यहूदियों का भरपूर ख्याल रखा जाए, उनकी हर जरूरत पूरी की जाए। मेरे सुल्तान, क्या उनकी रिहाइश का मुस्तकिल इंतजाम करना है? फलस्तीन के अलावा जहां चाहे रह सकते हैं, उनके लिए इजाजत है। उस्मानी जुग्राफियाई हुदूद में कहीं भी रह सकते हैं। आपकी इतनी बड़ी सखावत देखी, लेकिन रूस ने यहूदियों को जानवरों की तरह ज़िबा किया। वहां न ये तिजारत कर पाते थे और न ही खेती बाड़ी। हमारी इस पूरी सल्तनत में उन्हें तिजारत और खेती बाड़ी करने की पूरी इजाजत होगी। अकलियतों को मिलने वाले तमाम तर हुकूक इन्हें भी पूरी तरह हासिल होंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। यकीन हो गया हमें। किस बात का? जो मालूमात हमें मिली थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने आर्मेनियों का कत्ल आम करवाया, अब हमें मुकम्मल यकीन है कि वो खबरें झूठी थी। फिरोजे, अपना सामान मुंतकिल कर रही हूँ। ये कमरा दोबारा तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, क्योंकि इस कमरे में नहीं रहूंगी मैं। लेकिन आपका कमरा तो यही था। शहजादी सादिया की खादिमा थी तब था, अब मुझे राहदारी का आखिरी कमरा चाहिए बस। लेकिन उसके लिए बीदार सुल्तान से हमें इजाजत लेनी होगी, क्योंकि वो कमरा आम मेहमान के लिए है। जल्द सुल्ताना बनने वाली हूँ मैं, और शहजादे ने कहा है कि अपनी पसंद का कमरा ले सकती हूँ। अगर इस महल में रहना है तो मेरा कहा भी मानना होगा। अब जाओ और मेरा कमरा तैयार करो जल्दी। माफ कर दो मुझे फिरोजे, बीदार सुल्तान की बात मानने पर मजबूर थी मैं। अब मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। अब जब अपना सामान बांध ही लिया है तो निकल जाओ इस महल से। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं यहाँ। जाओ। ऐसा मत करो फिरोजे, मेहरबानी करो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब
मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। अब्दुल कादिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा वो फिरोजी का असल चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे। परेशान ना हो शहजादी, बहुत जल्द शहजादे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अल्लाह करे जल्द समझ में आ जाए। बाबा ने इजाजत दे दी है, अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन पहले हमारी शादी होगी। आप फिलहाल अपनी सारी परेशानियों को एक तरफ कर दें और सिर्फ हमारी शादी के बारे में सोचें। सही कहा, हम चाहते हैं हमारी शादी धूमधाम से हो। बीदार सुल्तान ने यह इसलिए किया ताकि हम कमालुद्दीन से दूर रह सके। ये हमें महल से निकालने का बहाना था, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर आप क्या करेंगी, क्या कहेंगी उनसे? कोई हल तलाश करेंगे। कमालुद्दीन से चाहे हम मिले या ना मिले, मगर खुली फजा में सांस तो ले सकेंगे। शहजादी, आप सबसे बेहतरीन चीज की हकदार हैं। ये हमने खास आपके लिए बनवाया है। कमालुद्दीन, ये बहुत खूबसूरत है। खदीजा, फहीमे, देखिए कितना खूबसूरत है ना। खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगेगा आप पर। कमालुद्दीन ने हमारे लिए बनवाया है, ये हम अपनी शादी पर पहनेंगे। आ जाओ। हमारे प्यारे यहूदी भाई चैन की नींद सो गए होंगे। जहाज लंगर अंदाज होने वाला है, लेकिन अब्दुल हमीद ने कोई मुदाखलत नहीं की। वो तो गर्क करने वाला था रूसी जहाज को, ऐसा कैसे हो गया? जहाज के बारे में उसे मालूमात मिल गई थी कि उसमें रूसी मजालिम से भागे हुए यहूदी सवार हैं। कौन दे सकता है ये मालूमात? रूस में मौजूद जर्मन सफीर ने पाए तख्त में विलहेम तक खबर पहुंचा दी। विलहेम मतलब वो मुसलमानों का मुकम्मल हामी हो गया है। और ये दोनों रियासतें एक मजबूत हलीफ बनती जा रही हैं। मुझसे बच नहीं पाएंगे, बरतानवी सफीर को यहां बुलाओ। तर्जुमा शुदा किताबें यहाँ रखनी है ना? हाँ, वहां रख सकती हूँ इन्हें। अल्लाह आसानी फरमाए। खुशामदीद बाबा। बहुत शुक्रिया, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने अपनी बेटी को महल में काम करते हुए देखा। ये अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है। माशाल्लाह। ये वो शराइत हैं जो हमारे सुल्तान ने जर्मनी के शहंशाह के साथ मुआहदे में शामिल की हैं। मैं इन्हें हिफाजत से रख देती हूँ। बेटी, आज शाम चहलकदमी के लिए साथ चलेंगे, वैसे भी काफी दिन हो गए। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने।
अल्लाह आसानी फरमाए। शुक्रिया। एक बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुम खुदा के प्यारे हो। जानता हूं मैं, जब अपनी सरजमीन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं ही अकेले जिद्दोजहद कर रहा हूं। दोस्त, तुम्हारा मुर्गा जाया हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुमने उस गुनाह का कफारा अदा किया जो तुमने किया ही नहीं था। मजलूमों के सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने पाए तख्त आने वाली यहूदियों को अपनी पनाह में ले लिया। मतलब जहाज बंदर का आने वाला है? हाँ, ऐसा ही है। और इसके अलावा उनका पूरी तरह से ख्याल रखने का भी हुक्म दिया गया है। वो काम जिसे यूरोप ने धक्के देकर निकाल दिया उसे अब्दुल हमीद ने गले लगा लिया। कभी कभी सोचता हूं गलत तो नहीं कर रहा मैं। यूरोप में हमारी कौम के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, मगर जो उन पर रहम करता है उसके साथ मैं कोई जुल्म तो नहीं कर रहा। नहीं, अब्दुल हमीद मेरे ख्वाब के रास्ते में खड़ी हुई एक रुकावट है। यहूदियों के लिए एक ऐसा वतन चाहता हूं जहां से उन्हें कभी कोई निकाल ना सके। ऐसी हुकूमत कायम होगी जिसमें हमें किसी के रहम की जरूरत नहीं होगी। लगता है तुम ये बातें पारवूस की वजह से कर रहे हो। नहीं कारासू, अब्दुल हमीद और उस्मानी सल्तनत का खात्मा कर सकता हूं मैं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं बस। कहां चलती है? अपने भाइयों का इस्तकबाल करने बंदरगाह जा रहा हूं मैं। तुम भी चलो, मिलकर उन्हें गले लगाएंगे हम। सुल्ताना, सुल्ताना, कहो क्या बात है? फिरोजे अपने कमरे में नहीं रहना चाहती, खुसूसी कमरा मांग रही है। उसकी इतनी जुर्रत! मैंने कहा आपसे इजाजत लेनी होगी तो कहा कोई जरूरत नहीं। शहजादे ने उनसे कहा है जो कमरा चाहे ले सकती हैं। मेरी सुल्ताना। लतीफे, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ दुख्तर? सुल्ताना, फिरोजे ने महल से निकलने का हुक्म दिया इसलिए कि मैंने आपकी मदद की। वो हमारे हरम से हमारी मुलाजिमा को कैसे निकाल सकती है? इतनी जुर्रत! पसंद आया? बिल्कुल शहजादे, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि शादी के बाद आप हमारे कमरे में रहेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो फिरोजे? हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी की जुर्रत कैसे की? फिरोजे से हमने कहा था कि ये जहाँ चाहे रह सकती हैं। एक शहजादे की हैसियत से हमें यह हक है। हरम के किसी भी मामले में फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमें है, और ये बात आप भी जानते हैं। उसके बावजूद ये लड़की तमाम हदें पार करके इस महल की खादिमा को निकाल रही है। लतीफे को निकाला है शहजादे, जिसने आपको खत नहीं दिया था मेरा, और मुझसे कहा कि आप मुझे देखना नहीं चाहते। सिर्फ मुझसे नहीं, आपसे भी झूठ कहा था। क्योंकि ये करने के लिए हमने कहा था उसे। वो हमारा हुक्म मानने की पाबंद है, तुम्हारा नहीं। लतीफे ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है, इसलिए कोई उसे महल से नहीं निकाल सकता। बिदा सुल्तान ने हमारी एक चीज यहाँ नहीं छोड़ी, सारा सामान उठा के भेज दिया है। तो ठीक है ना बाजी, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाना होगा। आप बेहतर है भूल जाएं आप इस महल को, चले चलते हैं बाजी। उन्हें लगता है कि हमें दूर भेजने से कमालुद्दीन नायमे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। बाजी, कमालुद्दीन पाशा अपना फैसला सुना चुके हैं, आप जानती हैं जल्द उनकी शादी हो जाएगी नायमे से। कमालुद्दीन हमसे मोहब्बत करते हैं फहीमे, सिर्फ हमसे। आप हमसे मोहब्बत करते हैं? जी बिल्कुल नाइमे सुल्तान।
मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। धोखा हमें नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं वो। हमारी एक ख्वाहिश है। क्या है वो ख्वाहिश? हम अपनी कौम को सेहतमंद देखना चाहते हैं। हम रियासत में बेशुमार तालिबे इल्म देखना चाहते हैं जो दर्सगाहों में नजर आए, ऐसे मजदूर जिनका पसीना बह रहा हो, उन्हें हलाल रोजी कमाते देखना चाहते हैं, खवातीन घरों में सुकून से रह रही हो, हसद ना हो किसी के दिल में, सर उठे हुए हों, अपने हुकूक से पहले पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखते हों, एक ऐसी कौम देखना चाहते हैं। हर शहर में अस्पताल खोले जाएं, दूर दराज इलाकों में दर्जगाहें तामीर की जाएं, कारखाने मुकम्मल तौर पर फाल हों, किसान इस बाबरकत जमीन से खूब मुनाफा हासिल करें, सबकी जिंदगी खुशहाल हो। हमारा बस यही एक ख्वाब है। आर्मेनिया और रोम से यहूदी रहम की भीख न मांगे, बल्कि उन्हें भी उनका हक दिया जाए, उस्मानी रियासत में उनको मकाम दिया जाए, आजादी से वो यहां जिंदगी गुजार सकें। हमारी ख्वाहिश है कि अखबारात में झूठी खबरें न शाया की जाएं। खुलासा यह है कि हम एक फलती फूलती और खुशहाल कौम चाहते हैं, जुल्म के निजाम का खात्मा चाहते हैं, हम जालिमों को जमीन बोझ करना चाहते हैं, जो लोग अपने मफाद के लिए मजलूमों का खून बहाते हैं, हम उन बदबख्तों का खात्मा चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि अंग्रेजों का निजाम खत्म किया जाए। यहूदियों ने सारा सरमाया अपने कब्जे में रखा हुआ है, बरतानवी इदारे तिजारत में रुकावट है, बज़ाहिर तो उनकी रियासत बहुत तरक्की कर रही है मगर इंसान टूट फूट का शिकार है। ठीक कहा दोस्त विलहेम, अंग्रेज यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी गुलाम बन जाए, हमें उन्हें रोकना होगा, कहवा ठंडा ना हो जाए। नोश फरमाइए। ये सब सिर्फ हमारी दोस्ती से ही मुमकिन है। हमारा सबसे बड़ा ख्वाब मजबूत इत्तेहाद बनाना है, इस जालिमाना निजाम के खात्मे के लिए समंदरों पर कब्जा मजबूत रखना होगा। अंग्रेजों के लिए सिर्फ दो रियासतें रुकावट बन सकती हैं, और वो रियासतें जर्मनी और उस्मानी हैं। जर्मनी के इख्तियारात में इजाफा लाजमी है सुल्तान अब्दुल हमीद, आलमी सियासत जरूरी है। अंग्रेज समझते हैं कि वो दुनिया के लिए लाजिम और मलजूम है। आलमी सियासत में और आपकी सियासत में क्या बुनियादी फर्क है, हम जानना चाहेंगे। ये अंग्रेज ऐसी कौम है जो जबरदस्ती कब्जा करते हैं, जबकि हम मशरिक में उनके साथ ऐसी हुकूमतें कायम करना चाहते हैं जिन पर हमारे इख्तियारात हों। हम ऐसा इत्तेहाद बनाएंगे के समंदरों पर हमारा कब्जा मजबूत हो जाए और जमीनी रास्तों पर आपका कब्जा हो। इस सूरत में हमें कोई भी नहीं हिला सकता। इस मामले पर अगर हमने आपसे इत्तेफाक कर लिया तो दुश्मन और शिद्दत से हम पर हमलावर होगा। तख्त नशीनी के इब्तदाई सालों में यह मंसूबा हमारे सामने रखा गया था, उस्मानी रियासत को तकसीम करने का मंसूबा। अंग्रेज, फ्रांसीसी और रूसी इस मंसूबे पर मुत्तफिक थे, हमसे भी इस पर दस्तखत करने को कहा गया था, लेकिन
हमने ऐसा नहीं किया। हम ये सब जानते हैं, चूंकि आपने दस्तखत नहीं किए थे इसीलिए हमारे दोस्त हैं। हम दोनों के सामने मोर्चे बने हुए हैं तो हम भी उनके खिलाफ सफबंदी करते हैं। ठीक है, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इत्तेहाद कायम करें। हमारे पास भी जमीनी लश्कर के लिए कई मंसूबे हैं, हम भी तैयारी करते हैं। हम एक ऐसी फौज की बुनियाद रखेंगे जो किसी भी मैदान में दुश्मन के हाथों जेर ना होने पाए। क्या जर्मनी के साथ इत्तेहाद का ऐलान करेंगे मेरे सुल्तान? नहीं पाशा, हम ऐलान नहीं करेंगे। हम अपनी फौज को और मजबूत बनाएंगे। जर्मनी की मदद से एक ऐसी फौज तैयार होगी जो हर दुश्मन का मुकाबला करेगी। लेकिन भूलिएगा मत कि जब जंग का आगाज होगा तो जर्मनी के लिए ये जंग जीतना उसकी मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुमकिन नहीं होगा। उनकी समंदरी हदूद शुमाल की तरफ है, हमारे समंदर की तरफ आने में उन्हें वक्त लगेगा। अगरचे अतालिया के साथ भी इत्तेहाद कर लें फिर भी एल्प पहाड़ों को अबूर करना आसान नहीं होगा। अगर मजबूर किया गया तो? अल्लाह हमें मजबूर न करे पाशा। आमीन आमीन। अब जबकि यूरोप को उस्मानी सल्तनत के टुकड़े करने का मौका मयसर आया था, हमारा वो मंसूबा तुम्हारी मलिका विक्टोरिया के पोते जर्मन शहंशाह विल्हेम ने बर्बाद कर दिया। विल्हेम ने मलिका की बेशुमार तंबीहात के बाद भी मशरिक की सियासत को अपनाने का फैसला नहीं बदला। उसकी सियासत की वजह से आपके मंसूबे भी बर्बाद हो रहे हैं। बहुत चालाक सियासतदान है वो। विल्हेम अपनी सियासत के बावजूद ये समझ चुका है कि वो हर मामले में सबसे पीछे रह गया है। वो यूरोप में मजबूत हुकूमत कायम करना चाहता है। जो इत्तेहाद उसे मगरिब में ना मिला वो मशरिक में तलाश कर रहा है। लगता है वो तलाश कर चुका है। बिल्कुल, तमाम मुआहदे तकमील पा चुके हैं। उन मुआहदों का असल हदफ रेलवे लाइन और तेल का हुसूल है। जो उनका मालिक बन गया वो नए आलमी निजाम का भी मालिक बन जाएगा। उसे रोकने के लिए क्या करेंगे आप? विल्हेम चाहता है कि वो नए आलमी निजाम में अपनी जड़ें मजबूत कर ले, और जिसके लिए उसे एक मजबूत इत्तेहाद चाहिए। ये भी सुना है कि वो काफी सरमाया लगाने के लिए भी तैयार है। विल्हेम जानता है कि वो अपनी रियासत को बगैर किसी मजबूत इत्तेहाद के नुमाया मकाम नहीं दे सकता। उसने बरतानवी इदारों से भी कई मुआहदे कर रखे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। अंग्रेज इदारों के साथ जहाजों के लिए मुआहदा किया गया है। माहिरीन विल्हेम के लिए बहरी बेड़ा तैयार करेंगे, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। यही तो तुम्हारी मलिका को नहीं मालूम। विल्हेम उस बेड़े को जंगी जहाजों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर मलिका को पता चल गया तो वो सारे मुआहदे खत्म कर देंगी। मैं यही चाहता हूँ। अगर उसे इत्तेहाद बनाना है तो इजाजत लेनी होगी मलिका से। विल्हेम के लिए उस्मानियों से किए गए मुआहदे ज्यादा अहम है, या वो ये कबूल करे कि रेलवे का मंसूबा हम मुकम्मल करें, या फिर मजबूत इत्तेहाद का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। मलिका के हुक्म से जर्मनी के साथ होने वाला वो मुआहिदा मनसूख कर दिया है। वो जान चुकी हैं कि आप उस बेड़े का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करने वाले हैं। घटिया इंसान! नहीं, मैं ये क्या हो रहा है? फिर उसे हमारी होने वाली सौजाहें इन पर कैसे हाथ उठा सकती हैं आप? जर्मन नुमाइंदे से उसने रिश्वत वसूल की, लेकिन उसने उन्हें गलत मालूमात फराहम कर दी। दिलशाद, मुझे यकीन है कि वो लड़की तुम्हारी हिमायत जरूर करेगी। थियोडोर हर्सल, अगर बरतानिया भी इसमें शामिल हो गया तो वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे और हमारे तेल के जखायर पर बरतानिया का कब्जा हो जाएगा।